आई थिंक सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बहुत ही अंडररेटेड एक्टर है, उनको बोला कि जाता है कि चॉकलेट बॉय के रोल्स कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने अपनी इमेज को तोड़ा विद शेरशाह और लोगों को पता चला कि वो कितने इंटेंस एक्टर हैं। एंड नाउ ही हैज शोन दैट इवन एक्शन इज दिस फोर्टे, योद्धा मतलब वॉरियर, एक मिशन है जिसमें वो ऑन फ्लाइट कमांडो बने हैं और वो मिशन को कैसे एकम्प्लिश करते हैं वो ये मूवी में दिखाया गया है। सबसे पहले सागर आमरे और पुष्कर ओझा का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। उसके साथ जितने भी एक्शन सीन्स हैं बहुत अच्छे से फिल्माए गए हैं, स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, मिस्ट्री जैसे जैसे अनरेवल होती है आपको मज़ा आएगा और इट विल बी वेरी एंगेजिंग, वेरी ग्रिपिंग एंड यू विल लूज ट्रैक ऑफ टाइम। एडिटिंग बिल्कुल शार्प है शिव कुमार पैनिकर की, 2.25 घंटे की मूवी है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है जिष्णु भट्टाचार्य जी की, जो भी ऑन फ्लाइट सीन्स है वो फ्लाइट में टर्बुलेंस वगैरह बहुत अच्छे से फिल्माया गया है हर एंगल से। और बहुत सारे म्यूज़िक कंपोजर्स हैं जैसे आदित्य देव, विशाल मिश्रा और तनिष बागची, तो गाने बहुत अच्छे हैं। एक तिरंगा गाना है और भी किस्मत बदलती देखिए, ऐसे 2-3 गाने बहुत अच्छे हैं। स्टोरी बहुत अच्छी है और सिद्धार्थ मल्होत्रा आई थिंक ही इज़ वेरी गुड। दिशा पटानी का एक रोल है थोड़े ग्रे शेड से उसमें, आई डोंट वॉन्ट टू रिवील द स्टोरी, उनका भी रोल बहुत अच्छा है। और राशि खन्ना आई थिंक शी इज़ ऑल्सो क्वाइट इफेक्टिव इन हर रोल, शी इज़ अ फाइन एक्ट्रेस। सो आई थिंक मूवी डेफिनेटली चलनी चाहिए वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स रिव्यू से कि हम लोग बॉलीवुड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मूवी को भी सपोर्ट कीजिए, छोटे बजट की मूवीज़ को भी सपोर्ट कीजिए। अगर आप पठान, जवान या गदर 2 जैसी मूवीज़ को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस तरह साउथ इंडियन सिनेमा और हॉलीवुड को हम लोग अपलॉट करते हैं, तो ये सिनेमा को भी अपलॉट कीजिए। और सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेफिनेटली यू नो ही नीड्स, ही डिजर्व्स एक्युलेट्स फॉर हिज रोल। आई हैव गॉट 4 stars, देयर वर ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट मुझे मूवी बहुत पसंद आई। थैंक यू। देखिए ऑनेस्टली बोलूँ ना तो बहुत अच्छी नहीं लगी, जितनी खरी उतरनी चाहिए थी वैसी नहीं लगी। केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन है, सिद्धार्थ के साथ राशि सूट भी करती है, और दिशा पटनी का रोल जो है नेगेटिव रोल है लेकिन बहुत अच्छा रोल किया है। अगर बात करें स्टोरी की, ऐसी काफ़ी बॉलीवुड में काफ़ी अलग बहुत आ चुकी है, तो ये अलग लगी आपको? नहीं नहीं, जरा भी अलग नहीं लगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, तो पुरानी पिक्चर बरसों से चली आ रही है, वही है, नया तो कुछ भी नहीं। अगर आप रेट देना रेटिंग इसका 3 तो बहुत हो जाती है, 3 के ऊपर रेटिंग नहीं, क्योंकि इंटरटेनमेंट नहीं है इसमें। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरी नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं उतरी है। थैंक यू। लवड़ा 13 तारीख का होता ना, एक भाऊ मला बुलावला ने। हां ऐकना हे बघ कोण आहे, अरे कोण आहे बघ जरा, अरे वार्ता कर, ओळखतोस का मला? अरे तू तुझा कापायला बसला अरे ला मूवी किसकी है?